आइए ना सर, आइए 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 सर, ये मेरी दादी है। दादी ये मेरी टीचर है, सिंह सर, आपसे मिलने आए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। नहीं जी, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। ममता, अच्छा बताइए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी लस्सी? मैं तो मिठाई लूंगा दादी जी। मिठाई जी, आज के टेस्ट में आपके पोते का माइलेज कमाल का था जी, एकदम 100 की स्पीड से पेन चला इसका, एक दो सवाल अटक, एकदम स्पीड ब्रेकर की तरह। लेकिन अपना अप्पू उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया और नतीजा एक्सीडेंट। अरे नहीं जी, अपना अप्पू पूरे क्लास में अव्वल आया है। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस है जी स्कूल की तरफ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप खुद अप्पू को अपने हाथों से दें। ये लीजिए। हाँ हाँ जरूर, हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। ले चला। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अप्पू की तरक्की बताने के लिए यहाँ तक चले आए। एक बात पूछे सर जी, आप मैकेनिक की तरह क्यों बात कर रहे हैं? अप्पू बताना। मम्मी, टीचर तो होते ही मैकेनिक है ना, जो सब्जेक्ट लूज होता है उसे टाइट कर देते हैं और हमारे दिमाग की ऑयलिंग सर्विसिंग करके हमें एग्जाम की रेस पे उतार देते हैं। अरे ममता, यही खड़ी रहेगी या सबका मुंह मीठा कराएगी? आज तेरे छोरे ने इतना बड़ा काम किया। हाँ हाँ दादी, अभी लेके आती हूँ। शाबाश छोरा, शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि पहलवान सिर्फ कुश्ती में नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हुए। पहले तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा कि ये अपशगुन का असर कहीं थारे एग्जाम पर ना पड़े, लेकिन शिव जी की कृपा से लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कौन? मैं संदेश खट्टर, अप्पू का क्लास टीचर। वाह अप्पू वाह, आज तेरी तारीफ करने के लिए टीचरों की लाइन लग गई। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मारा छोरा एग्जाम में अव्वल आया है। आपसे ये किसने कह दिया कि आपका अप्पू अव्वल आया है? ये तो फेल हुआ है। आठ दिन पहले जो प्रारंभिक एग्जाम हुआ था, आज ही तो उसका प्रोग्रेस कार्ड निकला है। 35 मार्क्स तक पहुंचने में दम निकल गया इसका। और इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे फोन करके कहता है मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर 2 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। फोन तो किया था लेकिन उस सप्पू ने नहीं, इस सप्पू ने। सर ये सब झूठ है, मैंने सर कोई फोन नहीं किया था। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी इसी हरकत की वजह से यहाँ आया हूँ तुम्हारी शिकायत करने। एक मिनट, आप कहते हैं कि अप्पू फेल हुआ है, तो मजाक में आपके स्कूल ने ये सर्टिफिकेट दे दिया? दिखाइए सर। ये फेक है दादी, झूठा है, ये नकली है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अब आप बोलेंगे ये टीचर भी नकली है?
ये कौन है? अप्पू के टीचर है। नहीं तो ये तो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है, इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैंने भी भाई साहब आपको कभी नहीं देखा है। अरे मैं असली हूँ, आप नकली हैं। सुनिए, मेरे पास स्कूल का आईडी है, आपके पास है तो दिखाइए। हाँ है, लो। छूट गया घर पर। छूट गया या है ही नहीं? साफ साफ बता तू है कौन, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी पुलिस को मत बुलाना प्लीज, मैं तो खुद एक मैकेनिक हूँ। मेरी खुद की गड्डी 8वीं क्लास में पंचर हो गई थी, मैं कहाँ से टीचर बनूंगा? इसने, ये अप्पू ने मुझे कहा था कि टीचर की एक्टिंग कर दो। अप्पू, माफ कीजिए खट्टर सर, हमें भी अप्पू से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा विश्वास रखें। जी ठीक है, नमस्ते। अप्पू, या सामने आ, सामने आ, मैं कहती हूं। इतना सा है तू और इतने बड़े बड़े कांड करता है, दादी को बेवकूफ बनाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सजा तो मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी। आज के बाद तेरा घर से बाहर जाना बंद, खेल कूद बंद, तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा। चल जा यहां से। सॉरी दादी। सॉरी का सगा। ममता इस पे नजर रख। जी दादी। ये अप्पू वाला पैंतरा तो फेल हो गया, अब सारी उम्मीदें प्रबल भैया पर लगी हैं। बबल जी, अब क्या होगा? दादी ने अप्पू का झूठ पकड़ लिया, अब तो अपशगुन को लेकर उनका विश्वास और पक्का होगा। इच्छा, लेकिन मुझे एक बार समझ में ही नहीं आ रही, आज अप्पू के स्कूल में कोई टेस्ट था ही नहीं, तो वो टीचर कहां से आया? चलो, हमने तो एक नकली टीचर को बुलाया था, तो फिर ये असली टीचर को किसने भेजा? जरूर सुरसुरी की हरकत है, उसने हमारी बातें सुन ली होंगी और अप्पू के स्कूल फोन करके। ये एक मौका नहीं छोड़ रही है मुझे परेशान करने का। इच्छा बबल, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। जी दादी बोलिए। छोरा, हमारी बात का गलत मतलब ना निकालना, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो तुम दोनों की भलाई के लिए। दादी आपको बताने की जरूरत नहीं, हम जानते कि अब जो सोचेगी हमारे भलाई के लिए सोचेगी। छोरा, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये शगुन अपशगुन को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। बचपन से इन बातों का घना प्रभाव रहा है हमारे पर, अब उसका उतरना नामुमकिन। जब से तुम दोनों की शादी हुई है सब कुछ गलत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी करा के हमने गलती कर दी। दादी आप ये छोरा देखना, शादी कितनी जल्दबाजी में हुई, न पत्रिका देखी न जन्म कुंडली देखी, लगता है भगवान जी भी शादी से नाराज है। दादी आप ये क्या बोल रही हो, ये कुंडली मुंडली कहां से बीच में आ गई? आप बेवजह परेशान हो रही हो दादी, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में एक दो गलत सलत बातें हुई है, लेकिन इनका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है दादी, प्लीज। दादी सब अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन ये घर तो खुश ना है ना, परेशानियां मुश्किलें बढ़ती जा रही, अगर मन में संदेह हो तो उसे दूर कर लेना ही अच्छा है। और वो आप कैसे करोगे दादी? इच्छा की परीक्षा ले। परीक्षा? सबल, मारे कमरे में एक नारियल रखा है, लेकर आ। ठीक है दादी। अब ये नारियल ही तय करेगा कि तुम दोनों की शादी शुभ है या अशुभ। ये ले दादी नारियल।
आज शाम की पूजा में इच्छा ये नारियल भगवान को चढ़ाकर फोड़ेगी। अगर ये नारियल अच्छा निकला तो मैं समझूंगी भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों की शादी पर। और अगर ये नारियल खराब निकला तो? अगर ये नारियल खराब निकला तो मैं समझूंगी ये शादी अशुभ। क्या दादी, आप भी? हमारी शादी अच्छी है, बुरी है, शुभ है, अशुभ है, इसका फैसला एक नारियल नहीं कर सकता। इच्छा मेरी पत्नी है और हम दोनों को। शांत हो जाइए बाबा जी। दादी चाहती है ना मैं ये परीक्षा दूं? मैं दूंगी। दादी का संदेह दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इच्छा ये बबल जी, ये ले छोड़ आज शाम की पूजा में मिले। ए नारियल भाई, अब इच्छा और बब्बल की शादी का फ्यूचर ना तेरे हाथ में है। अगर अंदर से गंदे हो ना तो अच्छे हो जाना, अगर अंदर से काले हो तो गोरे हो जाना, अगर आपके अंदर कीड़े पड़े हैं ना तो उन्हें फूल में बदल देना, संभाल लेना। हाँ ऑल द बेस्ट बब्बल। भगवान को ये नारियल दिखा के फोड़ दे। रुक जाओ इच्छा, मुझे अभी भी ये हे नागूमी देव, यहाँ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। आज तक आपने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है, मुझे यकीन है इस बार भी आप वही करेंगे। फोड़ इच्छा नारियल फोड़। मैंने पहले से इस नारियल में अपना जहर मिला रखा, आज ये नारियल नहीं फूटेगा, तेरी किस्मत फूटेगी। डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अरे छोरा तू मुझे छोड़, इच्छा को देख। अच्छा हाँ। तुम्हारा तो हाथ जल गया। बबल जी हल्की सी आंच आई है, मेरी छुड़ी अब दादी को देखिए। छुड़ी? अरे हाथ तेरा जला है और तू चिंता मेरी कर रही है। अरे ममता खड़े खड़े के देख रही है, जा जाके मरहम ला। जी दादी, छाल आने से पहले मरहम लगाना होगा। बबल भैया ये लो। अच्छा हल्की सी जलन होगी, सह लेना। Thank you.
दादी, बदकिस्मती से नारियल खराब है। दादी आपने कहा था कि अगर ये नारियल खराब हुआ तो आप हम दोनों की शादी को, दादी आज इच्छा ने आपकी जान बचाई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। आपके लिए इच्छा की अच्छाई मायने रखती है या फिर ये छोटे मोटे अपशगुन जिनका कोई आधार नहीं है। अब सबसे ज्यादा मुझे आपके फैसले का इंतजार है। छोरी, आज आग में तेरा हाथ ही नहीं जला है, बल्कि मेरे अंदर जो अंधविश्वास था वो भी जलकर खाक हो गया। मैं बावली नारियल से पूछने चली थी कि तुम दोनों की शादी पर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं। मैं तो समझ ही नहीं पाई, तू तो खुद भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे इस घर को मिला है। मुझे माफ कर दे। नहीं दादी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके मन का अंधविश्वास दूर हो गया, आपको तसल्ली मिल गई, मुझे तो बस यही चाहिए था। प्रबल, तू बकरी बेचकर भैंस खरीद लाया? अरे खरीदी ना है दादी, मुफ्त में लाया हूँ। मुफ्त में? अरे दादी, यहाँ से 5 मील दूर ना भैंसों का बहुत बड़ा व्यापार हुआ है। बस उसी गांव गया था, यो भैंस रास्ता भटक गई थी, तो मैं इसके मालिक को ढूंढने निकला, ना तो इसका मालिक मिला और ना तबेला। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने शायद इसे मेरे लिए भेजा है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बता के बकरी का क्या हुआ? अरे पता ना कहाँ खो गई। खो गई? कैसे? अब दादी छोड़िए ना, देखो बकरी के बदले भैंस आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक जो बुरा समय चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक हो बब्बल जी? आपने छू लिया, दर्द गायब हो गया। अच्छा, आज मैं तुमसे इतना खुश हूं कि मन कर रहा है तुम्हें एक शेर सुना। अच्छा, तो जनाब शायर भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है ना, अंदाज अपने आप शायराना हो, मुंह से बात निकलती नहीं है और शायरी बन जाती है। अब बातें ही बनाएंगे या शेर भी सुनाएंगे? सुनाता हूं। तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, बस तेरी चांदनी बन जाए तो नसीब बन जाए। कोई जंगली शेर देख लिया तुमने? नहीं नहीं बब्बल जी, वो बस आपके पास आने का दिल कर रहा था।
ये कैसा तरीका है पास आने का यार? तुमने मुझे डरा दिया यार। शेर इतना बुरा था क्या? हद से ज्यादा प्यारा था, इसलिए तो मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा लगा? कैसा लगा? हेलो, मैं यहाँ हूँ। बाबा जी, बहुत ठंडी हवा आ रही है, मैं खिड़की बंद कर दूँ? अच्छा है ना, ऐसे भी यार गर्मी बहुत हो रही है। बाबा जी, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इच्छा, एक दरवाजा बंद करोगी तो मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं, ईमान से डस लूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, किस लिए? आज तुमने मेरी दादी की जान बचाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने। वो मेरी भी दादी है और मैं तुम्हारा क्या हूं? बब्बन जी, घर में चोर घुसा है, चोर। क्या बात कर रहे हैं? चोर, चोर, वो वहाँ है, उस कोने में, अंधेरे में, उसके हाथ में गठरी भी है। खड़क सिंह के रहते हुए घर में चोर कैसे घुस गया? इसकी यो मजाल। अरे पिताजी चिंता मत करो, अब घुस गया है तो बाहर कैसे जाता है ये देखते हैं। आओ पकड़ो उसे। सुरसुरी, तुम सुरसुरी, ये सब बंद करो वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। देखो सुरसुरी, हम दोनों नागिस्तान से हैं, एक जमाने में हम अच्छी सहेलियां थी, लेकिन सुरसुरी अब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करोगी? मार डालोगी? सुरसुरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे उसके प्यार से अलग किया गया था। लेकिन सुरसुरी, ये तो मुखिया जी ने करवाया था ना, तुम्हें उनसे शिकायत है तो उनसे जाकर बात करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि नागिस्तान के नियम तुम्हारे लिए बदले गए, पिताजी ने अपने उसूल बदले, तुम्हें खुली छूट दी, अब उनकी गलती मैं सुधारूंगी। मान से तुम चाहे जो कर लो, जमीन आसमान एक कर दो सुरसुरी, लेकिन तुम मुझे और बबल जी को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। मुझे और बबल जी को कभी अलग नहीं कर पाओगे। आई बड़ी सुरसुरी, तुम खुलाया सुरसुरी, जल्दी छुप जाओ। नहीं छुपूंगी तो क्या होगा? सुरसुरी जिद मत करो, जल्दी छुप जाओ, किसने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी ना। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अब देख क्या रही हो, तुम खोल रही हो या मैं खोलूं? अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे घर में चोर घुसा है, उसके पास हथियार हो सकता है, तुम यहाँ अकेली? वो बबल जी, मैं दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं, अपने दरवाजा खोलो। क्या क्या कर रही हो यहाँ पे? बबल जी, मुझे चोर से डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। डर? तुम कब से डरने लग गई? वो बबल जी, मैंने सुना है कटरी वाले चोर नई नवेली दुल्हन पर हमला करते हैं और उसके सारे गहने भी चुरा लेते हैं। ऐसा कोई चोर पैदा नहीं हुआ जो मेरे होते तुम पर हमला कर सके। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बबल जी, आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे ना? आह।
इतनी प्यारी बीवी से कोई अलग हो सकता है? चले चलो। इच्छा, जो मैंने आज किया वो तो सिर्फ एक इशारा था। अगर तुम और बबल सही वक्त पे अलग नहीं हुए तो मैं ईमान डस लूंगी। अरे नाना छोटे, तगड़ी भैंस है, 10 किलो चारा खाएगी तो 10 लीटर दूध देगी देगी। क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब भैंस चारा खा के दूध देती है? इसका मतलब चारे में दूध होवे है। तो भैंस को चारा क्यों खिलाते हैं हम? सीधा चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेते हैं ना। अरे नहीं निकाल सकते छोटे। ए, कैसी बातें कर रहे हो आप? गन्ने को निचोड़ के रस निकालते हैं हम, वैसे चारे को निचोड़ के दूध निकाल लेंगे हम? चारा कैसे निचोड़ेंगे? हे भगवान, दो अक्ल के अंधे चर्चा कर रहे हैं, यानी आज घर में भूचाल आने वाला है। अरे बाबलो, आज कौन सा पागलपन करने वाले हो? किस बात पर बहस हो रही है? अरे दादी एक बात बता, कि भैंस जितना चारा खाएगी उतना ही दूध देगी ना? अरे ना भाई, भैंस का जितना मन होगा वो उतना दूध देगी। वो भैंस है, कोई मशीन ना है। अब दादी तू बता, कौन सही है कौन गलत? दो होशियार लोगों में कौन सही है कौन गलत है ये बात बताना तो आसान है, लेकिन दो मूर्खों में कौन सही है कौन गलत ये मैं कैसे बता पाऊंगी? मूर्खों में? अरे दादी पुरखों को बीच में क्यों ला रही है? भैंस तो हम दोनों भाइयों के बीच में हो रही है। अरे पुरखों नहीं दादी, कह रही मूर्खों। मूर्ख? अरे कौन मूर्ख? अरे तुम दोनों और कौन? अरे वो सब छोड़ दादी, तू सवाल का जवाब दे। देखो तुम दोनों गलत, लेकिन प्रबल थोड़ा कम है, क्योंकि भैंस जितना ज्यादा चारा खाएगी, जितनी अच्छी खुराक खाएगी उतना ज्यादा दूध देगी। सुना छोटे? मुझे पता था दादी का यही जवाब होगा। दादी के ज्यादा लाडले हो आप। मैं कहाँ छोटे, दादी का लाडला तो बबल है। अरे नहीं 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 भैया, दादी के लाडले तो सबल भैया है। अब देखते नहीं हो, दादी हमेशा इनकी ही तरफदारी करती है। अच्छा, मैं तेरी तरफदारी नहीं करती बावले। अरे तुम तीन के तीनों बावले हो। दादी हूँ मैं तुम्हारी, तुम तीनों मेरे लिए एक जैसे, तीनों मेरे लाडले। दादी का प्यार वो तो मैं भेद नहीं करता। दादी 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 दादी। हाँ दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दादी का प्यार पोतों में भेद नहीं करता, लेकिन बहुओं में तो कर ही सकता है। गुड मॉर्निंग। मैं नहाने जा रहा हूँ, चलोगी? बबल जी आप भी ना जाओ। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो। मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया था, तुम सो रही थी इसलिए। सुबह सुबह तुझे ऐसा कौन सा काम पड़ा जो तू यहाँ आ गया? मैं सतर्क करने आया था, तुम जानती हो ससुर इसी घर में है, फिर भी तुम सुस्त हो। शादी का खुमार चढ़ा तुम्हारे सर पर। लेकिन वाकू मेरी अभी। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन उसी शादी पर तो खतरा मंडरा रहा है ना।
और इच्छा तुम सुरसुरी को हल्के में मत लेना, यहाँ तुम्हारे सुरसुरी से नजर हटी समझो दुर्घटना घटी। तू सही कह रहा है, मुझे हर वक्त हर पल चौकन्ना रहना होगा। जब तक वो यहाँ है खतरा बना हुआ है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर मुखिया जी के हवाले करना होगा। लेकिन इच्छा मुझे ढूंढेंगे कहाँ? हम ये तो जानते हैं कि वो इसी घर में है, लेकिन वो किस कमरे में किस कोने में हमें ये नहीं पता, और कब किसका रूप लेकर आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ये क्या ममता, तो अकेले ही नाश्ता बना रही? इच्छा कहाँ है, वो नहीं आई तेरा हाथ पटाने? नहीं नहीं, शादी हुई ना दादी, अक्सर आंख नहीं खुलती, सो रही होगी। मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आज इच्छा के हाथ का बना ही नाश्ता करना है। वो क्या है कि उसके हाथों में तुझसे अच्छा स्वाद है। दादी ये क्या कर रही हैं आप कच्चा दूध पी रही हैं? भूख लगी थी इसीलिए पी रही थी। तू कहती है तो नहीं पीती। ईमानसी डस लूंगी। क्या कहा आपने, ईमान से डस लेंगी? अरे नहीं पगली, मैंने कहा ईमान से हंस लूंगी। अच्छा तू जा, इच्छा को बुला के ला। जी दादी, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। आखिर ये सुरसुरी कहीं कहाँ कहाँ छुप कर बैठी है? अरे इच्छा, चाय बन रही है? जी अभी बना देती हूँ। अरे सुन इच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा अदरक एक्स्ट्रा इलायची और हल्का सा तू ऊपर से केसर डाल देगी तो भैया चाय पियोगे या खीर? अरे दादी 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 यहाँ क्या कर रही है तू? इस उम्र में भी बचपना गया नहीं दादी का, लुक्का छुपी खेल रही थी। चुप कर बावले, मैं खेल नहीं रही थी, मैं घर की साफ सफाई देख रही थी। पूरे घर में जाले लगे हुए, अब ये भी मैं ही साफ करूं के? ये तीन तीन बहुएं किस काम की हैं? नहीं नहीं दादी, मैं कर दूंगी। इच्छा तुम चाय कमरे में लेके आना, ठीक है? चलो भैया। जी माँ जी के साथ फिर मैंने जिनसे बात की वो मतलब वो सुरसुरी थी, उसकी तो मैं पीछा। जी तू नहा चुकी है ना? जी दीदी। तो चल नाश्ता बनाना है आज दादी जी को, तेरे हाथ का बना नाश्ता खाना, तेरे हाथों में मुझसे अच्छा स्वाद जो है। चल अब। जी दीदी चलिए। ईमान से दस लूंगी। अरे के बात है चंचल, आम का चार वचार बना रही, खट्टा खाने का मन हो रहा है के? ओहो, एक तरफ आम का चार और दूसरी तरफ तेरा प्यार से शर्मा कर धत करना, मारा तो दिन बन गया।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है तेरे हाथों का बना हुआ अचार। जब खाने बैठू हूँ ना तो खाना तो एक तरफ धर दू हूँ और तेरे हाथों के अचार के चटकारे लू हूँ। चंचल अम्मा जी तू फिर अचार बनाने बैठ गई? वो अम्मा जी घर का अचार खत्म हो गया सब बनाने लगी। अच्छा हुआ खत्म हो गया। अरे थारे हाथ का बना अचार खा के मारी जबान का स्वाद ही बिगड़ गया। हाय हाय अम्मा जी आज आप कह रहे स्वाद बिगड़ गया कल कहेंगे मुंह बिगड़ गया और ऐसे ही चलता रहा तो परसों आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहलवान परिवार का नाम तो अचार में मिलकर खाक हो जाएगा बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर पहले माँ की बात तो समझने दे। अरे तंग आ गई मैं इसके हाथ का बना अचार खा खा के न उसमें खटास है न स्वाद। उससे अच्छा अचार तो इच्छा बना लेगी। तू एक काम कर इस बार इच्छा से अचार डलवा देगी। इच्छा वो कल की छोरी? हाँ छोरी कल की है लेकिन अचार कमाल का बनाती है। हाय हाय अम्मा जी मेरा मतलब है आपको तो मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत पसंद था ना? जब जब आप खाती है आप तो मेरी तारीफ ही करती हो। एमा तू भूल गई इसके हाथ का अचार खाकर ही तो तूने इसे मेरे लिए चुना था। अरे वो तो मैंने इसका मन रखने के लिए कहा था। सोचा कि धीरे धीरे अच्छा अचार बनाना सीख जाएगी लेकिन ये इसके हाथ का स्वाद तो बदला ही नहीं। हेमा अन्न लग गया है तेरी जबान में कुछ गड़बड़ है। ये बोला तू? मतलब चंचल जैसा अचार तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ना बना सके। सारी दुनिया घूम लो लेकिन ऐसा स्वाद का ही ना मिलेगा और तू कह रही इसका अचार में स्वाद ना है। माँ क्या कर रही है मर जाऊंगा छोड़ दे मैं ना। माँ क्या कर रही है मारा गला घोटेगी कब मर जाऊंगा। आज तुम्हारे सामने उसकी तरफदारी की है आइंदा ना करना ना ईमान से दस लूंगी। मारा मतलब है कि अचार तो दूर मैं थारी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ दूंगी। उतर नीचे और तू अभी तक यहीं बैठी है जा जाके इच्छा से बोल कि मैंने उसके हाथ का बना अचार खाना है। एक वही तो है इस घर में जिसके हाथ स्वाद। जलन बुरी बला है इच्छा प्यार को बुर से जला देती है। इन सब के मन में तेरे लिए जितना प्यार है मैं सब खत्म कर दूंगी जलन को हवा दूंगी देखना ईमान से जस लूंगी। जी कहिए दीदी मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले। तू पत्थर भी उबाल कर देगी ना दादी को उसमें भी स्वाद मिलेगा। हमारा क्या है हम तो इतने सालों से यहाँ रसोई में गिल्ली डंडा जो खेल रहे हैं। दीदी आप ये आज नाश्ता बनाने से रोका है कल रसोई में आने से रोक देगी। नहीं नहीं दीदी दादी के कहने का मतलब ये नहीं होगा। वो तो चाहती है कि मैं रसोई का काम करूं आपसे अच्छा खाना बनाना सीखूं ताकि आपकी जिम्मेदारी आपका बोझ थोड़ा हल्का हो आपको आराम मिले। अच्छा इच्छा इतनी पागल नहीं हूँ शब्दों का मतलब और बोलने का तेवर अच्छे से समझती हूँ। दादी जी ने साफ साफ मेरी और तेरी तुलना की थी। नहीं दीदी दादी ऐसा क्यों करेंगी दो बहुओं में तुलना करके उन्हें क्या मिलेगा। अच्छा चलिए अब नाराजगी छोड़ दीजिए बताइए ना नाश्ते में क्या बनाऊं? अब आलू के पराठे बना दूं दादी को पसंद है ना। दीदी मिर्च पाउडर दे दीजिए। देती हूँ बस एक यही काम बचा है। माँ जी होती ना तो अभी कहती हाय हाय आज हाथ में चूल्हा मिला है
कल तिजोरी की चाबियां मिलेंगी, परसों घर के फैसले लेने लगेगी। हम तो यहाँ बस जी हजूरी करने आए हैं। नहीं दीदी, आपको कोई गलत। ले, आम का अचार बना दे। आम का अचार? माँ जी, मैं? माँ जी को तेरे हाथ का बना हुआ अचार खाना है। मेरे हाथ का स्वाद तो बुरा लगने लगा है उन्हें। उनका ये कहना है कि तू ही है इस घर में जिसके हाथ का स्वाद अच्छा है। तब तू ही बना दिया अचार और जीत लिया उनका दिल। चल ममता। आज इन दोनों को क्या हो गया है? और दादी जी ने ऐसे क्यों कहा कि नहीं? जितना मैं दादी को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। मुझे उनसे बात करनी होगी। ये खट्टी मीठी लड़ाई थोड़ी मसालेदार होनी चाहिए, और वो तो मैं बना ही दूंगी। ईमान से। यस। प्रबल, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है प्रबल? सुबह नाश्ता ना किया के जब के धोबी पचाल खा रहा है तू? उठ। अरे आज हालत पतली है पिताजी। क्यों, पेट खराब हो गया के? अरे नाना, गेट में कोई गड़बड़ ना है। हाँ, कल रात को थोड़ी आवाज कर रहा था, तेल डाल के ठीक कर दिया मैंने। अरे क्या हो गया आपको पिताजी? बोल रहे हालत पतली क्यों है आपकी? पेट गड़बड़ है क्या? अरे पेट गड़बड़ ना है, दिमाग गड़बड़ है, और वो सब इसकी घरवाली की वजह से। क्या हो भैया, सुबह सुबह इच्छा की शिकायत? अरे शिकायत ना करूं तो क्या करूं, काम ही ऐसा किया उसने। क्या किया उसने, मुझे भी तो बताइए। अरे ममता को रसोई से बाहर निकाल दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोरे, ये झूठ ना बोल रहा है। तेरी वाली ने मेरी वाली का भी अपमान करवाया। कैसा अपमान किया? अरे अचार ना बनाने दिया अच्छे ने उसे। मारे तो सारे सपने टूट गए। नहीं भैया, जहां तक मैं इच्छा को समझता हूं। अरे तू क्या समझेगा, बड़े से बड़ा ज्ञानी औरतों को ना समझ पाया। हम कौन से खेत की मूली हैं? ये औरतें पहले पति के कान भरे, फिर दिमाग खावे हैं, फिर सर पे नाचे हैं। अच्छे खासे दिमाग का ये अखाड़ा बना दे मैं भाई। अरे अखाड़ा तो बन चुका है पिताजी। इसके वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा, मेरी वाली ने आपके वाली को कुछ कहा, आपके वाली ने इसकी वाली से कुछ पूछा, फिर इसके वाली ने। नहीं भैया नहीं, इच्छा ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। अरे वो तो अपने हिस्से की चीजों को दूसरों को दे देती है, वो क्या किसी और का मारेगी? अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये देख, ममता ने पीट पीट के पीठ को लाल कर दिया है। आज हमारे घर में पहली बार औरतों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जो खतरे की घंटी है। अगर औरतों ने घर में यलगार छेड़ दी ना, तो समझो पूरा घर जंग का मैदान बन जाएगा। अरे दाव पे शुरू होंगे यहीं से। वो उसको पटकेगी, ये उसे पटकेगी, और फंसेंगे हम, सैंडविच बन के रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई, इंसानों के भी सैंडविच बनते हैं के? इतनी बड़ी ब्रेड लाते कहां से होंगे? छोटे वो सैंडविच ना, सैंडविच का मतलब हो गया औरतों की लड़ाई में हमारी हालत पतली हो जाएगी। अगर पत्नी का साथ देंगे तो भाभी बुरा मान जाएगी, भाभी का साथ देंगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी। भाई इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हालत मेरी पतली होगी, चार चार औरतों को कैसे साइड दूंगा मैं? अरे चार चार कैसे भैया, घर में सिर्फ तीन औरतें हैं। अरे चौथी मेरी पत्नी। लेकिन भैया आपकी अब तक शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हो जाएगी ना। और तू सुन ले बब्बल,
अगर तेरी वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा ना, समय रहते अपनी वाली को समझा ले तू, वरना वरना क्या करोगे आप, वरना इस लड़ाई ने तो इस गन्ने के रस की मिठास दुगनी कर दी। ईमान से दस। दादी, दादी आपने ऐसा क्यों किया? अब मैंने केक किया? आपने ममता दीदी को नाश्ता बनाने से रोका, माजी को अचार भी बनाने नहीं दिया, उनसे कहा कि इच्छा सब कुछ बना देगी। छोरी तू क्या बोल रही है, मैं उन दोनों को काम करने से क्यों रोकूंगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपने, आपने सच में उन्हें नहीं रोका? ये ना बोला तो ना, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मतलब मेरा अंदाजा सही है, उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट, तू मुझे विस्तार से बताएगी कि मामला क्या है? दादी वो माजी और ममता दीदी कह रही थी कि, क्या कह रही थी? यही कि आपने उनसे कहा कि आपको उनके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ का स्वाद पसंद है, उन्हें लगता है कि मैं उनसे अपनी तुलना करवा रही हूँ, आपकी नजरों में अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। दादी उनसे बात कीजिए ना, और उनसे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। चिंता ना कर, आरती के बाद मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? जी दादी, दादी मैं चलती हूँ। अच्छा। ओ माँ। बबल जी बताइए आपको कहाँ कहाँ मार लगी है, मैं सेक देती हूँ। अरे ये पूछो कहाँ कहाँ मार नहीं लगी है, ना बेटा देखा ना भाई देखा, तीनों के तीनों टूट पड़े यार मुझ में। लेकिन बबल जी आपने बताया नहीं उन्होंने आपको पीटा क्यों? तुम्हारी वजह से। माफ कीजिए बबल जी, मेरी वजह से आपको इतना। अरे चाहे माफी वाफी छोड़ो, पहले ये बताओ कि दादी ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्यों कर रही है मतलब, अब मैं बेहतर हूँ तो हूँ। इच्छा ये तुम बोल रही हो? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? अब मैंने थोड़ी ना दादी से कहा था कि मेरी तरफदारी करे। नहीं, मेरी इच्छा ऐसा कभी नहीं बोल सकती, वो मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बात ही नहीं कर सकती। आपकी माँ और भाभी अपने पति से शिकायत कर सकती है, मुझसे बेवजह जल सकती है, अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए बब्बल जी, मैं जो हूँ वो हूँ, अगर आपको आपकी माँ और भाभी सही लगती है तो ठीक है, आप उनकी तरफ हो लीजिए, छोड़ दीजिए मेरा साथ, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई वो नहीं। और अगर नहीं तो चुपचाप मेरा साथ दीजिए। बबल जी सिर्फ आप ही नहीं, अब सब चौंकेंगे इस इच्छा के नए रंग ढंग और सोच को देखकर। माजी, दीदी मेरा अंदाजा सही था, आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। अभी अभी मेरी दादी से बात हुई, उनका कोई इरादा नहीं था आप लोगों की मुझसे तुलना करने का। लीजिए दादी आ गई, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। इच्छा जल्दी से तैयार हो जा, चल मारे साथ। तैयार किस लिए दादी? बाजार जाना है, तेरे लिए नए कपड़े और गहने खरीदते। मेरे लिए? लेकिन क्या जरूरत है? मैं अपनी नई बहू को गहने और कपड़े देना चाहती हूँ, तुझे कोई एतराज है? नहीं दादी वो। अच्छा ठीक है, हम माँ जी और दीदी को भी साथ ले चलते हैं, आप दोनों तैयार हो जाइए। ये दोनों आकर तय करेंगी। अरे मुझे थारी पसंद के गहने और कपड़े खरीदने, इन दोनों की पसंद तो देहाती है। अरे तू इनको छोड़, जल्दी से तैयार हो जा, चल मारे साथ। लेकिन दादी दीदी माजी आप नाराज मत होइए, वो दादी जी के तो रहने दे, हमारा जितना अपमान होना था हो चुका। जा जा तू माजी के साथ जा, जाना। लगता है हमारी बात
अंदर तक चुभ गई। दे ताली। जल्दी तैयार हो जा। ये हाथी को क्या हो गया है? वो इस तरह नहीं, ये दादी हो ही नहीं सकती। ये तो बस बहुत हो चुका। ये बहुत हो चुका? ये कौन सा तरीका है हमारे से बात करने का? मैं तारी सास की सास हूँ, आवाज और शब्द संभाल कर बोलना। तुझ जैसों के साथ ऐसे ही बात करनी पड़ती है। सुरसुरी, अभी भी मैं एक मौका दे रही हूँ। मेरे घर में ये खेल खेलना बंद कर और चुपचाप इस घर से चली जा, वरना मैं वरना ये करेगी, हाथ उठाएगी, मारेगी मुझे, धमकी देती है मुझे। और ये सुरसुरी कौन है? तू मुझे इस नाम से क्यों पुकार रही है? आज तो बुरी फंस गई इच्छा, सच बोल नहीं सकती, झूठ दादी चुटकी में पकड़ लेगी। अब क्या जवाब दूं इनको? अरे बोलेगी। दादी मैं अब रोना शुरू। छोरी गलती थारी, पागलपन थारा, और रो भी तू रही है। अरे मुझे रोने की वजह बताएगी? दादी, दादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई दादी। हार तो मैं गई हूँ। अरे थारी बातों से, अरे मने तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो के रहा है। मैं बताती हूँ दादी, वो मैं शर्त हार गई। कैसी शर्त? आज सुबह बब्बा जी ने मुझसे कहा कि तुमने दादी को ठीक से पहचाना ही नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तुमने दादी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। उनका गुस्सा उनकी नाक की नोक पर रहता है। तुम जरा सी गलती करो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। ऐसा कहा बबल ने? हाँ दादी, और जब मैंने कहा नहीं नहीं दादी ऐसे नहीं है, तो बोले आजमा कर देख लो। मैंने ताव में आके शर्त लगा ली और बबल जी जीत गए। मुझे पूरा यकीन था दादी कि चाहे जो हो जाए आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो छोरी रोना बंद कर दे। अरे किसने कहा तुझसे कि तू शर्त हार गई? अरे वो तुम्हारी आवाज भारी है, पहलवानी का असर है। दादी आप वाकई में मुझसे नाराज नहीं है? ना छोरी ना, बिल्कुल नहीं। चुप हो जा, शांत, तू रो मत। हे नागोमी देव, बच गई आपकी इच्छा। मेरी एक बात गांठ बांध दे, आइंदा से तू ऐसी अजीब शर्तें नहीं लगाएगी, ठीक है? इच्छा ये पता नहीं बहुत। छोरा तू शर्त हार गया। कैसी शर्त? कि मैं अपनी बहू पे गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तू इस ज्वालामुखी से बच कर रहना, कभी भी फट सकता है तुझ पर। ये दादी को क्या हो गया अचानक? कैसी शर्त? कौन सा ज्वालामुखी? किस बारे बात कर रही थी? कुछ नहीं बब्बल जी, बस ऐसे ही जरा सी मस्ती। अरे अच्छा हुआ चंचल तू आ गई, मैं तेरे ही पास आने वाली थी। अभी कुछ देर पहले इच्छा बता रही थी कि आय हाय अम्मा जी, इच्छा फिर से कुछ बता रही थी। अब आप फिर उसकी बातों में आ जाओगे, फिर मुझे आचार डालने से रोकोगे, इच्छा के लिए बोल मीठे और मेरे लिए आंख खट्टे, बताओ ये बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या अम्मा जी, दो बातों की एक बात, आप ये ठीक नहीं कर रहे। ये ठीक नहीं कर रही हूँ? यही बहुओं में भेदभाव। अब वो इच्छा कल की आई हुई छोरी, अभी तो उसने खुद को अच्छी बहू साबित भी नहीं किया, जो कि हम कर चुकी हैं। हाँ, फिर भी वो आपकी लाडली, और हम अम्मा जी हमने कुछ तय किया है।
के तय किया है? यही कि अब हम बहुओं में एक प्रतियोगिता होगी, आदर्श गृहिणी प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता जो जीतेगी वही आपके लाड प्यार की पहली हकदार होगी। अरे बावली हो गए तुम दोनों, मैंने कब कहा कि तुम दोनों इच्छा से कम हो? अरे मैंने कब तुम दोनों की तुलना की इच्छा से? की है अम्मा जी, तभी तो। खैर अब बहस नहीं, अब प्रतियोगिता करेंगे। अम्मा जी आपको भी पता चल जाएगा कि कौन अन्नपूर्णा है, कौन समझदार है और कौन इस घर की आदर्श गृहिणी है। तो आज से प्रतियोगिता शुरू। एक दिन रसोई का काम मैं संभालूंगी, एक दिन ममता संभालेगी और एक दिन इच्छा। अम्मा जी आपको तो बस जज साहिबा बनकर हमें नंबर्स देने हैं, जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। बस अम्मा जी एक एहसान कीजिएगा, नंबर्स देते वक्त आप इच्छा को आपकी लाडली समझकर उसे ज्यादा नंबर्स मत दे देना। हाँ चंचल बस बहुत हो चुका, बहुत सुन ली तेरी बकवास, शर्म ना आ रही है तुझे? तू तो मुझ पे इल्जाम लगा रही है, बेटियों जैसा रखा तुम बहुओं को, कभी भी सास जैसा बर्ताव ना किया, फिर भी तू मुझ पे इल्जाम लगा रही। भेदभाव करना न हमारे खून में है न हमारे संस्कार में। हमारे लिए हमारे तीनों बहुएं एक समान है, कोई प्रतियोगिता ना होगी। हमारे घर की एकता हमारे घर की ताकत है और वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जैसा आज तक चलता आया है वैसा ही चलेगा। तुम तीनों बहुएं एक साथ मिलकर घर का काम संभालो, समझी? अम्मा जी आप चाहती हैं कि घर की बहुएं आपस में लड़ती रहें, घर की शांति बिगड़ती रहे? के कहा तूने? के कहा तूने कि मैं चाहती हूं कि इस घर की शांति बिगड़े? तू ना मानने वाली, अब फैसला होकर रहेगा। जा बुला ले सबको।